तो अब आप देख रहे हो जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो हमारा जो गेम का ऑडियो है वो एकदम से डाउन हो गया है, और जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा गेम का ऑडियो फिर से अपने उसी लेवल पर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्शन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर जब कोई आप गेम प्ले कर रहे होते हो या फिर आपने अपने बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा रखा है और आप चाहते हो कि जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करो अपने माइक्रोफोन पर या वॉइस ओवर देना स्टार्ट करो तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है या फिर जो गेम का ऑडियो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाए, और जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करो आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर गेम का ऑडियो है वो फिर से अपने आप ही बढ़ जाए। तो ये काम हम OBS स्टूडियो के अंदर कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली इस फीचर को हम बोलते हैं ऑडियो डकिंग। ऑडियो डकिंग का ये फीचर OBS स्टूडियो के अंदर कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको सेटिंग करनी है, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं कैसे हम इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। OBS स्टूडियो के अंदर मैंने एक यहां पर सीन क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा यहां पर एक सीन मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यहां पर हमारा गेम प्ले हो रहा है और यहां पर मेरा फेस कैम दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आप देखोगे सोर्सेज में मैंने यहां पर अपना कैमरा ऐड किया हुआ है और नीचे यहां पर हमने गेम ऐड किया हुआ है। तो गेम का जो ऑडियो है वो आप देखोगे ऑडियो मिक्सर में गेम का ऑडियो यहां पर आपको सुनाई देगा। मैं सुना देता हूं आपको। तो यहां पर अब आप देख सकते हो हमारा गेम का ऑडियो भी यहां पर आ रहा है और मेरे माइक्रोफोन का ऑडियो भी आपको यहां सुनाई दे रहा है। तो दोनों ऑडियो एक साथ यहां पर प्ले हो रहे हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो दोनों ऑडियो एक साथ प्ले हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जब भी हम बोलना स्टार्ट करें तो हमारे जो गेम का ऑडियो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाए, या फिर आपने कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रखा है आप चाहते हो बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑडियो ऑटोमेटिकली कम हो जाए तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो फिलहाल मैंने गेम के ऑडियो को म्यूट कर रखा है जिससे कि मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे। अब आपको सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो यहां पर ये हमारा कैमरा ऐड हो रखा है और कैमरा का ऑडियो यहां पर आ रहा है ऑडियो मिक्सर में। ये हमारा माइक का ऑडियो है और ये हमारे गेम का ऑडियो है। ये जो गेम का सोर्स हमने ऐड किया हुआ है इसका ऑडियो यहां पर आ रहा है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है वो देखिए, यहां पर ये जो गेम वाला हमारा सोर्स है यानी ये वाला जो सोर्स है यहां से हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, फिल्टर्स पर क्लिक कीजिए। अब इसमें आपको दो तरह के फिल्टर दिखाई देते हैं, एक ऑडियो वीडियो फिल्टर और एक इफेक्ट फिल्टर। हमें सिंपल ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑडियो वीडियो फिल्टर, इसमें प्लस का बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्रेशर, कंप्रेशर पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद इसका कोई भी आप नाम दे दीजिए, मैं इसका नाम दे देता हूं ऑडियो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया ऑडियो डक। और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे अब यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रेशियो का, रेशियो हमें ऐसे ही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है थ्रेशोल्ड का, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जो आपका ऑडियो डकिंग है, ऑडियो डकिंग का जो फीचर है वो कितने मिली सेकेंड बाद एक्टिवेट हो। तो उसे देखने के लिए अभी यहां पर दे रखा है -18 dB दे रखा है, तो उसे चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर जो हमारा माइक का ऑडियो है ये माइक का ऑडियो कितने सेकंड पर स्टार्ट होता है वो हमें चेक करना है। तो मैं यहां पर एक बार चुप हो जाता हूं। तो यहां आप देख सकते हो -35 dB, -35 dB पर जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूं यानी -35 dB से मैं बोलना स्टार्ट करता हूं तो मैं इसमें दे दूंगा -35। तो यहां पर हम दे देंगे -35 या फिर -30, मैं यहां पर दे देता हूं यानी -30 पर मैं जैसे ही बोलना स्टार्ट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है जैसे ही -30 पर आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका जो ऑडियो डकिंग वाला फीचर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर कर देते हैं -30, इसको मैंने कर दिया -30। तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड। आप अपने हिसाब से देख लेना, आप अपने माइक का जो बार आ रहा है ना उसमें आपको देख लेना कि आप जब बोलना स्टार्ट करते हो तो कितने सेकंड से उसमें बार चलना स्टार्ट होता है। उसके बाद
तीसरा ऑप्शन आता है अटैक का। अब अटैक का मतलब यह है कि जो आपका थ्रेशोल्ड है, जैसे मान लो -30 हमने यहां पर दे दिया और जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो जो इसका अटैक है यानी ऑडियो डकिंग जो है एकदम से कितने सेकंड बाद स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहां पर अभी इन्हें 6 मिलीसेकंड कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करें ऑडियो जो गेम का ऑडियो है एकदम से कम हो जाए। तो हम यहां पर सबसे कम कर देंगे इसको, सबसे कम है इसका 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड पर हम अटैक कर देंगे। और उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है रिलीज का, यानी जब आप बोलना बंद करोगे तो गेम का ऑडियो एकदम से फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा। तो उसका टाइम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो टाइम दे रखा है 60 मिलीसेकंड दे रखा है, जो कि काफ़ी कम है। जैसे मान लो आप बोल रहे हो, बोलते बोलते आपने बीच में थोड़ा सा भी अगर पॉज लिया तो बीच में आपका गेम का जो म्यूजिक है वो फुल वॉल्यूम में चलने लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 300 मिलीसेकंड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 300 मिलीसेकंड। ये हमारा 300 मिलीसेकंड हो गया। उसके बाद आउटपुट गेन हमारा जो है वो हमें ऐसे ही रहने देना है, इसे नहीं छेड़ना है। और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है साइड चेन डकिंग सोर्स, यानी यहां पर आपको अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके आगे एरो पर क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑडियो जो हमारा माइक्रोफोन है वो है ऑडियो कैप्चर 3, ऑडियो इनपुट कैप्चर 3 हमारा माइक्रोफोन है, इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद हमारी सेटिंग यहां कंप्लीट हो गई, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। और यहां पर जो हमारा गेम का ऑडियो था इसे मैंने म्यूट कर रखा है, तो इसे मैं करता हूं प्ले। इसे मैंने ऑडियो को अप्ले कर दिया है। तो अब आप देख रहे हो जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो हमारा जो गेम का ऑडियो है वो एकदम से डाउन हो गया है, और जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा गेम का ऑडियो फिर से अपने उसी लेवल पर आ जाएगा। ये देखिए गेम का ऑडियो, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ फिर से तो गेम का ऑडियो फिर से कम हो जाएगा, और जब मैं बोलना बंद करूंगा गेम का ऑडियो फिर से बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से चुप हो जाता हूँ, देखिए बढ़ गया ना गेम का ऑडियो, बढ़ गया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो के अंदर ऑडियो डकिंग का फीचर इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।